ने धूले से उदना पालगी मेमो को हरी झंडी दिखाई और दोहरीकरण लाइन का भी हुआ उद्घाटन। धूले से पीएम मोदी द्वारा शनिवार को वीडियो लिंक से उतना जलगांव दोहरीकरण लाइन का उद्घाटन के साथ ही भुसावल बांद्रा उतना पालगी और उतना नंदुरबार के लिए लोकल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। इस अवसर पर उतना के कार्यक्रम में उपस्थित रेल राज्य मंत्री राजन कोहेन, सांसद सी आर पाटिल, दर्शना बंजर शो सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सांसद सी आर पाटिल ने भुसावल बांद्रा ट्रेन का वेस्तान चलथान में स्टॉपेज नहीं होने का मंच से कहा कि जबकि इसका हॉल्ट ही नहीं है तो इसका लाभ सूरतवासियों को कैसे मिलेगा। इस पर रेल राज्य मंत्री राजा कोहेन ने महाप्रबंधक अनिल गुप्ता से कहा कि यह ट्रेन को संबंधित स्टेशन पर ही हॉल्ट मिले। हमारे संवाददाता अमरजीत निषाद की रिपोर्ट, समय स्थल सूरत। मंत्रिमंडल के मेरे साथी नितिन जी, डॉक्टर सुभाष भामरे जी, राज्य सरकार में मंत्री गिरीश महाजन जी, जय कुमार रावल जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और यहाँ बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद दे मनपूर्वक आभार मानतो। आणि त्या सोबत आज अत्यंत महत्वाचा या धुळे जिल्ह्याला सुजलाम सुफलाम करणारा सुलवाडे जामफळचा प्रोजेक्ट, ज्या प्रोजेक्टमुळे धुळे आणि शिंदखेड्यातल्या 100 गावांमध्ये नंदनवन तयार होणार आहे, नंदनवन तयार होणार आहे, त्याला देखील मान्यता आदरणीय मोदी साहेबांनी या ठिकाणी दिली। खरं म्हणजे महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला असताना आम्ही मोदी साहेबांकडे गेलो आणि त्यांना विनंती केली या धुळ्याच्या इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और 10,000 किलोमीटर का नया रेल पट्टी हम लोग ने बनने किया हूँ। आज आप इस हर स्टेशन का हालत देखिए, पैसेंजर को जो भी सुविधा देना चाहिए हर सुविधा देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।